पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक के खाता धारक अब अपने पाई पाई के लिए सड़कों पर प्रदर्शन को मजबूर हैं। पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने आज भी किला कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के डीसीपी श्रीकांत परोपकारी ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराते हुए कहा कि आपको जल्द खुशखबरी देंगे। मुंबई में पीएमसी बैंक का बवाल आज एक बार फिर सड़क पर आ गया। आज बैंक घोटाले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए और आरबीआई की तरफ से लगाई गई पाबंदियों का विरोध करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में संजय गुलाटी की फोटो भी ले रखी थी। संजय गुलाटी की सोमवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। संजय ने अपने जीवन भर की कमाई पीएमसी बैंक में जमा कर रखी थी। संजय गुलाटी के अलावा पीएमसी के एक और खाता धारक की मौत हो चुकी है, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। और कितनी लाइफ को सेक्रीफाइस करे, यहाँ पे सिर्फ दो लाइफ्स नहीं गई है, उनके फैमिलीज, हम सबकी लाइफ पे इफेक्ट हुआ है। और अभी भी यहाँ पे कितने जन हॉस्पिटलाइज है। प्लीज 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 डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन मैन। कोर्ट के सामने सैकड़ों खाता धारकों ने पैसे वापस किए जाने की मांग की। मुंबई के किला कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने दो मिनट का मौन रखा। पीएमसी के खाते धारकों ने आरबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी श्रीकांत परोपकारी ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराते हुए कहा कि जल्द अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने उनको बताया था हम क्या कर रहे हैं और मैंने बताने के बाद वो सेटिस्फाई होकर चले गए। अभी भी अगर आप शांति से कुछ लोग मेरे साथ चलेंगे, मैं सब बताऊंगा कि क्या कोशिश हम कर रहे हैं। जितना जल्द हो सके उतना जल्द अच्छा होगा, मैं इतना बताता हूँ। इसीलिए नहीं सर, जितना जल्द नहीं सर, तीन लोग गुजर गए सर। नहीं सर, ये लीजिए भाई। पीएमसी के खाता धारकों का एक प्रतिनिधि मंडल मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे से भी मिला। इस सब के बीच पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और वरियम सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तीनों आरोपी 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।